अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाथा फाउंडेशन के तहत हमारी तैयारी है, शाम हो रही है और यहाँ हम लोग मौजूद हैं। अटेंडेंट बाहर अपने पेशेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं और अंदर ऑपरेशन जारी हैं। शाम का वक्त है और कोविड की वजह से भी नए इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, SOPs के तहत हो रहे हैं। पहले हम ज़रा सा जो है शाबीबी हेल्थ केयर सेंटर की CEO रुबीना रमज़ान से बात करते हैं। आप ज़रा सा बात करिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाबीबी हेल्थ केयर सेंटर की CEO रुबीना रमज़ान आपसे मुखातिब हूँ। और कोरोना आजकल जिस तरह से बहुत ज़्यादा डेल्टा वेव कोरोना की फैली हुई है, तो उसके लिए आप लोग एहतियात करें, घरों में रहें, घरों से बाहर बिला वजह ना निकलें बग़ैर ज़रूरत के, और मास्क ज़रूर लगाएं, हाथों को बार बार वॉश करें, एहतियात करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। ये रहमान भाई हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। रहमान भाई, आज आप अपने पेशेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा अदारा है, ये बड़ा ताउन करने वाला अदारा है, और जहाँ तक ये कोऑपरेट कर रहे हैं रमज़ान भाई हमारे, हम इनका शुक्रगुजार हैं। जितना भी हो, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए इनके लिए। जजाकल्ला रहमान भाई, बस दुआएँ करिए और बस ऑपरेशन जारी हैं और अब 15 से 20 मिनट में हमारे पेशेंट आ जाएंगे। तो इसी तरह दोस्त हैं, मनोड़ा से आए हुए हैं और जी फसल वाव, आप ज़रा सा क्या कहेंगे? दोपहर से आए हुए हैं यहाँ, कैसा है? जी मैंने यहाँ पे आप लोगों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। शाबीबी जो आप लोगों ने हेल्थ क्लिनिक बनाया है, और आप लोग जिस तरह गरीबों के ये वेलफेयर करते हो, अल्लाह ताला आप लोगों को इसका बड़ा अजर देगा, क्योंकि गरीब लोग जो है ना, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते कोई अपने आँखों का ऑपरेशन कराएँ। तो मैं जो शाबीबी हेल्थ क्लिनिक का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया और लोग गरीबों का बड़ा वेलफेयर करते हो आप लोग, तो मैं आप लोगों को बहुत इसका वो करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। और आए हम आपके ये CEO शाबीबी आपको विज़िट करवाती हैं। ये दरवाज़ा खुलते ही आप देखें ये कि ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये सैनिटाइज़र रखा हुआ है, जो भी आ रहा है उसके लिए हम जो है वो सबसे पहले उनके हैंड वॉश करा रहे हैं सैनिटाइज़र से, उसके बाद हम जो है अंदर एंट्री रजिस्टर, हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, उसके बाद हम जो है ना यहाँ से मरीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ आप आए हो बहन, आप में से कोई बात करेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, आँखें भी अच्छी हैं, बनती हैं, सही है, बहुत बेहतर है। आपसे कोई पैसे वैसे? जी नहीं, कुछ नहीं लिए? जी नहीं, बिल्कुल चैरिटी है मामलात आपके, ना बस अल्लाह आपके आँखों के, आपके मरीज़ों की सबकी शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्तगी दे पाक परवरदिगार। और इसी तरह हमारा सफ़र जारी और सारी है, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। ऐसे हालात इस वक्त हैं, ये मजाक नहीं है इस वक्त कोरोना या ये, क्या ख्याल है ऐसा कि आप फिर अपने के बिछड़ने के बाद आसमान वाले की तरफ देखते ही रह जाएं कि आसमान से वाले ने हमसे हमारी कोई चीज़ ले ली, तो हमें भी ख्याल करना है। और मैं अपील भी करूंगा कि एक कफ़ील जो खिदमत करता है, घर को पालता है, उसके लिए भी जो है ना आप अपना एक आँख को स्पॉन्सर करें। आज के मेरे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया, एक स्पॉन्सर्स की आज शादी भी है, इन बाहर मुल्क में हैं जिन्होंने मुझे किया है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, परवरदिगार उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे, उसे खुशियाँ दिखाए रब्बुल आलमीन, और इस वबा से अल्लाह ताला हम सबकी निजात अता फरमाए। सलामत रहे मेरा पाकिस्तान, शाद रहे मेरा पाकिस्तान, रोशन रहे मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।